एक दफा का जिक्र है, एक आम का दरख्त था। उस दरख्त के पास आकर एक छोटा सा बच्चा रोजाना खेलता था। कुछ साल बीत गए, वो बच्चा उस दरख्त के पास नहीं आ पाया। उस साल बाद वही बच्चा उस दरख्त के पास आया तो उसने उस दरख्त को बहुत अकेला पाया। दरख्त ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उस दरख्त से कहा कि मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? दरख्त ने उस बच्चे से कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास कुछ आम है, उस आम को तुम ले जाओ, उसको बेच के उससे मिले पैसों से अपना काम चला लो। वो बच्चा उस दरख्त में लगे सारे आम ले गया। कुछ वर्षों के बाद वही बच्चा उस दरख्त के पास आया तो उसने फिर उस दरख्त को बहुत अकेला पाया। उस दरख्त ने बच्चे से कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बच्चे ने कहा कि मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, मुझे घर की जरूरत है, क्या तुम मुझे घर दोगे? दरख्त ने कहा कि मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ शाखे है, तुम मेरी शाखे काट के ले जाओ और अपना घर बना लो। वो बच्चा उस दरख्त की सारी शाखे काट के लेके चला गया। कुछ साल बाद वो बच्चा बूढ़ा हो गया। फिर वो बच्चा उस दरख्त के पास आया, फिर उसने वो दरख्त को बहुत अकेला पाया। दरख्त बहुत उदास था। उसने बच्चे से कहा कि इस बार मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे आम मेरी शाखे सब तुम ले गए हो। बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब सिर्फ आराम चाहिए, क्या मैं तुम्हारी जड़ों के साथ बैठकर अपना आराम कर सकता हूँ? वो दरख्त ने कहा, ये जड़ें भी तुम्हारी है, तुम चाहो तो अब इस जड़ों के पास पूरी जिंदगी रह सकते हो। दोस्तों, वो जो आम का दरख्त था वो हमारे माँ बाप थे, हमारे वालिद हैं, हमारे माँ बाप भी इसी तरह है, और वो जो बच्चा था दोस्तों वो हम है। इसलिए प्लीज अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। माई नेम इज जुनेद शेख पटेल, पार्सल फ्रॉम भरूच। थैंक यू।